हालेलुया, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु परमेश्वर यहोवा की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार स्तुति करते हुए आज सुबह रविवार की आराधना को हम शुरू करते हैं और आप सबका आज की इस आराधना में स्वागत है। यीशु मसीह अच्छा है, भला है और उसकी भलाई सदा आती है। आइए प्रार्थना के साथ आज सुबह की आराधना को शुरू करें। जीवित और सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, बहुत नम्रता से हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं क्योंकि हम जानते हैं आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हमारी प्रार्थना है आज की पूरी आराधना प्यारे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आपको भाने वाली हो जाए। हमारा गाना, हमारा बजाना, स्तुति के शब्दों को कहना, सब कुछ आपको भाए, आप खुश हो जाएं और प्रभु अपने वचन से हम सबको आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए सुबह इस रविवार की आराधना में परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए हम आगे चलें। आज सुबह हमारे साथ ब्रदर फ्रैंकलिन राव हैं जो परमेश्वर की आराधना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से एक बार अनुग्रह किया है कि हम उसके अनुग्रह में, उसकी उपस्थिति में आ सकें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सप्ताह को मना रहे हैं, इसलिए आइए आज की सुबह हम एक गीत को गाएं, तेरा हो अभिषेक, और प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए मिलकर गाएं, तेरा
राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु याद तेरी आमद की याद तेरी आमद की सारे जहां में हो दुआ करे मिलकर अमन जहां में हो आइए एक बार और विश्वास से कहे याद तेरी आमद की सारे जहां हाल में हो करें तेरा प्रचार हमें करें तेरा प्रचार तेरा हो अभिषेक तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु हालेलुया परमेश्वर के वचन में लिखा हम सब खोए हुए थे हम सब भटके हुए थे लेकिन परमेश्वर पिता ने हम पर अनुग्रह किया हमसे प्रेम किया और उसने आपके और मेरे लिए हम सब के लिए इस पूरी दुनिया के लिए अपने एक लौते बेटे को बिना रख छोड़ा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए हमेशा का जीवन पाए। तो आप सब जो देख रहे हैं हमें इस बात पर यकीन रखना है कि जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हम और आप स्वर्ग के भागीदारी हो जाते हैं। फिर हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं होता। शैतान की पकड़ हमारे जीवन से छूट जाती है। उसकी जो योजनाएं हैं वो हमारे जीवन से टूट जाती हैं और परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में कामयाब होती है पूरी होती है। इसलिए आइए इसी बात पर विश्वास करते हुए खुशी के साथ नाचते गाते हुए गाएं यीशु मसीह देता खुशी क्योंकि वो इस दुनिया में इसीलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए आइए मिलकर अपने अपने घरों में हम जहां कहीं पर भी हैं मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और मिलकर नाचते गाते हुए ऊंची आवाज में गाएं यीशु मसीह देता खुशी। आइए ताली बजाते हुए आइए मिलकर ऊंची आवाज में यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी आनंद पकड़ पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान यीशु मसीह देता खुशी करो महिमा उसकी हाथों को उठाकर पैदा
जब यीशु मसीह की योजनाएं आपके और मेरे जीवन में पूरी होती है चर्च, एक बात का विश्वास रखें, शैतान का कब्जा हमारे जीवन से टूटने लगता है। हालेलुया। आइए जब हम यीशु मसीह के जन्म के सप्ताह को मना रहे हैं, आइए हम इस बात को याद करें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी बेशकीमती चीज को आपके और मेरे लिए मुफ्त में दे दिया। हालेलुया। उसने अपने सबसे जो शुद्ध चीज है, अपने लहू का बलिदान आपके और मेरे लिए दे दिया। पूरा स्वर्ग का वैभव छोड़कर, पवित्र आत्मा का साथ छोड़कर, अपने पिता का साथ छोड़कर, जिससे वो कभी अलगाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना बड़ा अलगाव करके वो आपके और मेरे लिए जमीन पर आ गया, ताकि हम छुटकारे को पाएं, ताकि हम उसके छुटकारे को पाएं, ताकि हम उसके अभिषेक को पाएं, ताकि हम उसकी आशीषों को पाएं। क्या ये आनंद की बात नहीं है? इसलिए आइए अपने स्थानों पर बैठे ना रहें, अपनी जगह पर खड़े हों, जहां कहीं पर भी हमें इट डज नॉट मैटर, मायने नहीं रखता, हम कहीं पर भी हैं, हम भले ही अपने घरों पे हों, आइए अपनी जगह को छोड़े, आइए उठें, आइए अपने उस कम्फर्ट जोन से निकल कर बाहर आएं और आत्मा में एक साथ कलीसिया के साथ जुड़कर नाचते गाते हो। जब हम इस गीत को गाते हैं, तुम दिल में ऐसे बस गए ऊंची आवाज में नाचते गाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आइए मिलकर गाएं, तुम दिल में ऐसे बस गए, ताली बजाते हुए, आनंदित होते हुए, मुस्कुराते हुए। दोनों हाथों को ऊंचे पर उठाएं,
आई आत्मा की गहराई से और दिल की सच्चाई से उससे कहें कि तेरे अलावा और कोई नहीं प्रभु। और यदि यीशु मसीह आज की सुबह जब आप हमें खंगाल रहे हैं, जब आप हमें अंतरात्मा में, हमारी अंतरात्मा में झांक रहे, जब आप हमारे मन को जांच रहे हैं, यदि कोई भी ऐसी बात है जो आपका स्थान ले रही है, लॉर्ड वी प्रे दिस मॉर्निंग, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं वो बात यीशु के नाम से हमारे जीवन से निकल जाए प्यारे प्रभु, चाहे कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, वो बात हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे दिल में, हमारी जान में, हमारे होठों में, हमारी आंखों में, यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप बसने पाए। आइए आज की सुबह अपने हाथों को ऊंचे पर उठाएं और उसकी पवित्र आत्मा का स्वागत करें। जब क्वायर मिलकर गाती है, आत्मा की हवा यहां है, आत्मा की आवाज यहां है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। आइए आज की सुबह विश्वास करें चर्च, जब हम इस गीत को गाते, आप जहां कहीं पर भी हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको अपने साथ उस महापवित्र स्थान में लेकर जा रहा है। सब कुछ भूल जाएं, आप कहां पर हैं, आप कहां बैठे हैं, आप कहां खड़े, आपके बाजू में कौन है, अपनी आत्मा को, हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि उसका पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जा सके। आइए सिर्फ गीत के, गीत गाने के लिए नहीं गाएं, लेकिन आत्मा की सच्चाई से गाएं, आत्मा की हवा यहाँ, आत्मा की हवा पर है।
कुछ होने पर है, ये समय है मिलकर हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचे पर उठाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे चर्च, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो दयालु परमेश्वर है, हर दिन उसकी करुणा हम पर नहीं हो जाती है, वो हम पर अनुग्रह करता है चर्च, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं है, उसके बाद भी वो हमें नहलाता धुलाता है, अपने लहू से साफ करता है, हमें वो बेशकीमती अंगूठी पहनाकर हमें अपना भागीदार बना लेता है। हम तोड़ाऊ पुत्र थे लेकिन उसने हमें अपनाया है। वो हर पल खड़े होकर आपका और मेरा इंतजार करता है और अपने एकलौते बेटे के लहू की कीमत को चुकाकर वो आपको और मुझे बचा लेता है, अपनी विरासत में शामिल कर लेता है। हम तो आखिरी घंटे के मजदूर हैं चर्च, फिर भी वो हमें उतना ही मान देता है। इसलिए ये मिलकर वो मान हम उसे वापस लौटाएं, वो आदर हम उसे वापस लौटाएं, वो महिमा हम उसे वापस लौटाएं जो उसने हमें सौंपी है। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, आवाज में हाथों को उठाकर तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, तू बड़े लिफ्ट योर हैंड्स मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिला। आइए मिलकर कहें, ऐ खुदा मेरे खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। Yeah.
सुंदर नाम, सबसे पावन नाम। हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नाम के लिए कि आपने हमें वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आपने हमें वो नाम दिया जिस नाम के द्वारा हम परमेश्वर पिता आपके सिंहासन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। यीशु नाम देने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता यीशु मसीह को हमें दे देने के लिए, हमारा निज कर देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आइए जब हमारी आंखें प्रार्थना में यू ही बंद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर हेमंत प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं और धन्यवादों के बलिदान को चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है खुदावंत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप अति करुणामय परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं और आप हमसे अद्भुत प्रेम करते हैं खुदावंत। और इस अद्भुत प्रेम में आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया है कि हम उनके द्वारा जीवन पाएं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इन विषम परिस्थितियों पर हमको आपने संभाला। प्रभु जी खुदावंत, आपने हमारी रक्षा की प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी उद्धार की चट्टान हैं, आप हमारे शरण स्थान और बल हैं प्रभु जी। हर एक कदम पर आपने हमारी रक्षा की है प्रभु, हमारी सहायता की है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है, हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंत। हालेलुया हालेलुया। आप अति सामर्थी परमेश्वर हैं खुदावंत, इसलिए हम आपको धन्यवादों के बलिदानों को चढ़ाते हैं। हम आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। होने दे लॉर्ड, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी हम सब पर उतरे, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसका अभिषेक हम सब पर आए प्रभु जी, कि हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सकें। प्रभु जी, हमारी हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, जो आपकी बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे प्रभु, वो कभी थकित नहीं होंगे, कभी श्रमित नहीं होंगे प्रभु जी। खुदावंत हालेलुया, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगा कर दें, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ उनके शरीरों में बह जाए प्रभु जी। आर्थिक क्षेत्र में प्रभु जी हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु जी। इसलिए हम आपका अनुग्रह पूरी कलीसिया पे, कलीसिया के परिवारों पर के लिए मांगते हैं प्रभु जी। खुदा
खुदावंत जब आपका वचन आता है, आपका तेजोमय वचन आता है, होने दे आपका वचन हमें शुद्ध करे, पवित्र करे प्रभु जी, हमें जागृत करे कि जबकि आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, हम सब तैयार पाए जाए प्रभु जी। हर एक बात को प्रभु जी हम आपके नियंत्रण में देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी, और सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसका अभिषेक, उसकी उपस्थिति हम सब पर सदैव बनी रहे प्रभु जी। हर एक बात को प्रभु जी खुदावंत हम आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इन भेंटों के लिए जो आपने निकाला है हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य आप देते हैं, और जो हमने पाया है हम उसमें से आपके लिए, आपके भवन के लिए ये भेंट लाए हैं। प्रभु यीशु आप ग्रहण करें, और हर एक जिसने इसमें भाग लिया है आप उन्हें स्मरण करके आशीष दें, उनके जीवनों में आपकी उपस्थिति बढ़ती जाए, उनके जीवनों में आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बढ़ती जाए, और हर एक जन आप में आशीषित होए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऊंचा उठाएं आज सुबह, उसके नाम की स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हुए उसके पवित्र सिंहासन के निकट चले हम। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है परमेश्वर अच्छा है, भला है, और उसकी करुणा सदा की है। आज फिर से एक बार प्रभु की दया में हम सबको अवसर मिला है कि हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आइए फिर से हम आज सुबह प्रभु के वचन में चलें, और जो बात हम पिछले कुछ हफ्तों से सीख रहे हैं आज हम फिर से उसी में आगे जाएंगे। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसका पांचवां अध्याय उसकी सातवीं और आठवीं आयत में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और उसके बाद बाइबल कहती है आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हम सीख रहे हैं बड़े दिन के लिए तैयार कैसे हुए।
प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस। और बाइबल कहती है सिधाई और सच्चाई की आंख हमीरी रोटी के द्वारा, ओ अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के वचन से शुद्ध करके अपने आप को तैयार करें ताकि सिधाई और सच्चाई की आंख हमीरी रोटी बन जाए और फिर प्रभु को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा सके। आज सुबह फिर से हम उसी में आगे जाएंगे। पिछले दो हफ्तों से हम सीख रहे हैं, आज इस तीसरे रविवार पे हम सीखेंगे। आज जो हम सीखेंगे प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस, वो पहले बड़े दिन के समय में क्या हुआ, हम उस बात से सीखेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को जल्दी से देखें पहले बड़े दिन पे क्या हुआ था, तो बाइबल हमको बताती है लूक रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय से 20वें आयत तक एक वाक्य है, लिखा हुआ है उस देश में कितने गरड़िये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। गरड़ियों का दृश्य यहां पर लिखा हुआ है और फिर उसके बाद बाइबल कहती है प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। पहले बड़े दिन पर गरड़ियों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा तो उनसे कहा गया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। चर्च जब उनके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा उद्धारकर्ता का जन्म है जो तुम्हारे लिए है, तब उनका रिएक्शन क्या हुआ, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। यदि हम परमेश्वर के वचन में आगे देखें तो बाइबल हमको बताती है 20वीं आयत में लिखा है और गरड़िये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जैसा वचन उनके पास आया था उसको देखकर, उसको सब कुछ समझकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करी, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की बड़ाई की जब उनके पास परमेश्वर का वचन आया। बाइबल हमको बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहूदियों को राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। बाइबल बताती है कई ज्योतिषी पूर्व से आए, उनको एक तारे को देखकर समाचार मिला, एक तारे को देखकर मसीह के जन्म होने का समाचार मिला, यहूदियों के राजा मसीह के जन्म का समाचार मिला। और बाइबल कहती है जब उनको यह समाचार मिला वे उसको प्रणाम करने, उसकी वर्शिप करने के लिए आए। हम कितने समय से प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने की खुशी मना रहे हैं, उसके जन्म के दिन की खुशी मना रहे हैं। आपके पास भी वचन आया है, आपके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और जब वो वचन पहुंचा तो आपका प्रत्युत्तर क्या था, उस वचन को पाने के बाद आपके अंदर क्या उमंग हुई, उस वचन को पाने के बाद आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई। बाइबल कहती है गरड़ियों को जब मालूम पड़ा जैसा उनसे कहा गया था वो वैसे ही गए, देखे सचमुच मसीह आ गया, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, वे परमेश्वर की महिमा करने लगे। जब ज्योतिषियों को पता लगा पूर्व से मीलों चलकर इस राजा को जो अब हमारा भी राजा है दंडवत करने आए हैं, इतने सालों से क्रिसमस मनाते मनाते वो कौन सा आखिरी दिन था जब आपके अंदर भी आया मसीह का वचन आया है चलो हम उसको दंडवत करने चले। बाइबल बताती है हमको उनके पास एक वचन आया था, समझना आज की बात बहुत प्रार्थना के साथ बैठ के, क्योंकि आज का जो वचन है हम सीख रहे हैं पहले बड़े दिन से, लेकिन वर्तमान की स्थिति और हमारे आने वाला जो भविष्य अनंत है हम उसकी बात सीख रहे हैं।
पिछली बात से सबक सीखकर वर्तमान में जिएंगे, लेकिन अनंत के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। उनके पास तो सिर्फ वचन आया था, आपके और मेरे पास, बाइबल कहती है यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर था। और उसके बाद बाइबल हमको बताती है 14वीं आयत में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की। प्लीज समझें, जो बात आज प्रभु के अनुग्रह में मिली है, उनके पास वचन आया था, हमारे पास तो वचन देने वाला आ गया। चर्च खजाना, ट्रेजर आ गया है। बाइबल कहती है कुलुसियों के दूसरे अध्याय की दूसरी तीसरी आयत में, उसमें खजाना है, बुद्धि और ज्ञान का भंडार है, वो यीशु मसीह आ गया है। सिर्फ वचन नहीं आया, वो वचन देने वाला प्रभु यीशु खुद हमारे पास आ गया। आज सुबह जो बात प्रभु से मिली है आपके साथ बांटने के लिए, जब वो वचन देने वाला खुद वचन जो है देहधारी होकर आ गया, हमारे लिए आ गया, हमारे जीवन में आ गया, और इतने सालों से हमने उसका अनुभव किया है, तो अब इस क्रिसमस पर उस बात को जान के समझ के हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिस्पॉन्स, हमारी तैयारी क्या है अब क्रिसमस के लिए। जब हम समझ रहे हैं कि वचन आया, देहधारी हुआ है, यीशु मसीह हमारे लिए आ गया है, खुद वचन हमारे लिए आ गया है, आप क्या करेंगे बड़े दिन में? अपने आप को तैयार करेंगे? सिर्फ बड़े दिन पे नहीं चर्च, आज से जब प्रभु का वचन आया है, हम आज से ही हमारी प्रतिक्रिया होगी उस महान परमेश्वर की, उस महान राजा की आराधना करने की तैयारी। हमारा दिल खुशी से और आनंद से भर जाएगा। ओ हालेलुया, हमारी प्रतिक्रिया होगी कि हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। दाऊद के जीवन से यदि बोलूं तो बाइबल कहती है, बहुत अद्भुत है, बाइबल कहती है भजन संहिता 119 में दाऊद बोलता है परमेश्वर के वचन के बारे में, और बहुत सारी बातें दाऊद परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है। लिखा है 119 भजन संहिता की 50वीं आयत में, ध्यान से सुनना चर्च, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हम एक बहुत बड़ी महामारी में से निकल के अभी आए हैं, और उसके अनुग्रह में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के खुशी मनाने जा रहे हैं। कितने लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया, कितने लोग बच गए, कितने लोग कोरोना में से होकर हील होके वापस आ गए। आज हम दाऊद के समान कहें, वचन है ना हमारे पास आया, आया ही नहीं, लेकिन इस वचन से आपने और मैंने जीवन पाया। दाऊद कहता है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। फर्स्ट बर्थ बड़े दिन पे जब वचन आया, उनकी प्रतिक्रिया थी प्रभु की आराधना। 2020 साल के बाद हमारी बारी है, वचन आया भी, वचन से हमने जीवन भी पाया। और आगे देखें, बाइबल कहती है 65वीं आयत में दाऊद कहता है हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई किया है। अपने वचन के अनुसार, यीशु मसीह वचन है। आप प्लीज समझे आज की बात, यीशु मसीह वचन है, और दाऊद बोलता है अपने दास के संग तूने अपने वचन के अनुसार भलाई की। जैसा तू परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ रहा जब वो इस दुनिया में था, अब वही बात तू मेरे साथ भी भलाई कर रहा है। अब समझ रहे हैं क्या गहरी बात दाऊद ने लिखा है? परमेश्वर हमारे साथ अपने वचन के अनुसार भलाई करता है, और हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता।
हमारा परमेश्वर कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। जो एक बार उसके मुंह से निकल गया वो उसको पूरा करता है। यशाया 55 में वे लिखा हुआ है, जैसा परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकला वो व्यर्थ ठहर कर वापिस नहीं लौटता, लेकिन जिस बात के लिए निकला उसको पूरा करता है वो। आप समझ रहे हैं बात को? इस क्रिसमस की तैयारी आपकी और मेरी होना है कि जब वचन आया है, वचन से जीवन पा रहे हैं, वचन के अनुसार भलाई हो रही है, तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कितना धन्यवाद उमड़ना है, कितनी आनंद निकलना है, कितने आनंद और धन्यवाद के शब्द निकलना है, एक ही बात कहना है, प्रभु आपकी भलाई सदा की है, आपकी भलाई सदा की है। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आपके काम अद्भुत हैं, आपके तरीके अद्भुत हैं। आगे फिर कहता है दाऊद अपने भजन में, ध्यान से सुने, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। हम सब कई बार विशेष तौर से इन दिनों में बहुत दुखित हुए, ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, नौकरी चली गई, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद दाऊद कहता है, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं, क्योंकि प्रभु ने अपने इस वचन से हम सबको संभाला है। दुनिया का तो सब कुछ चला गया, जिस पर हम टिके थे, भरोसा था, निर्भर था, वो चला गया, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। चर्च, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वो आज भी आपकी सुधि लेता है, उसको आज भी आपका स्मरण है, वो आज भी आपके लिए वैसा ही खड़ा है जैसा कल था, और कल भी आपके लिए वो वैसा ही रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है 72 वर्स में लिखा हुआ है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। खजाना मिल गया हमको, परमेश्वर का वचन खजाना मिल गया। दाऊद बोलता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी। आप समझें चर्च, इस क्रिसमस की तैयारी, परमेश्वर चाहता हमारा दिल धन्यवाद का एक सोता बन जाए, क्योंकि हमको वचन मिला, खजाना मिल गया है। आगे कहता है फिर से अपने वचन में 74th वर्ष में लिखा है, तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। आइए आज हम उस जगह पहुंचे, हमको देखकर परमेश्वर के डरवैये जो है ना वो आनंदित हो जाएं। Come on, आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर परमेश्वर से डरने वाले लोग आनंदित हो जाएं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर आशा लगाई है। और परमेश्वर का वचन, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह जो हमारे लिए देधारी हुआ है। समझे प्रभु की बात को, आखिरी आयत बोलता हूं और फिर उसके बाद हम और आगे चलेंगे प्रभु के इस वचन में। बाइबल कहती है 116, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। बाई चांस अभी भी आप निराश हैं, बाई चांस अभी भी आपके अंदर हताशा है, अभी भी आपको उत्तर नहीं मिला है, मत परेशान होए। आज प्रभु का वचन आया है, क्रिसमस की तैयारी है, हमको खजाना मिला है, वो खजाना जिससे परमेश्वर संभाल लेता है। और आज प्रभु अपनी दया में हमको अपना प्रोफेटिक वचन दे के कह रहे, यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। कम ऑन, एक हाथ अपने हृदय पे रखें, एक हाथ ऊपर उठाएं। परमेश्वर अपने वचन से संभालेगा, आपकी आशा नहीं टूटेगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर आके रहेगा, क्योंकि वचन देधारी हुआ है, प्रभु यीशु मसीह देधारी हुआ है, प्रभु यीशु मसीह खुद आया है और अब वो हमारे अंदर वास करता है। कैसे हमारी आशा टूटेगी? आपकी आशा नहीं टूटेगी, आप उसकी सामर्थ्य में बढ़ेंगे, आप उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करने वाला बनेगा, वो कल भी किया है और आज भी करेगा। Come on, कहे प्रभु धन्यवाद, मैं समर्पण करता हूं आपके वचन के अनुसार
अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मेरी आशा ना टूटे पर आपके वचन से मैं जीवन पाऊं। धन्यवाद, मेरा उत्तर आ रहा है। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में आगे चले। उसका वर्ड आया, उस वर्ड के प्रतिक्रिया में उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। हमारे लिए आज के समय में, आज के समय में आप जानते हैं, आपको याद है ना, आप बाइबल पढ़े होंगे, संडे वचन भी सुने होंगे। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा, यूहन्ना के चौथे अध्याय की 22 से 24वीं आयत तक में, वो समय आता है वरन अब है, वो समय आता है वरन अब है, जब परमेश्वर के भक्त आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो समय आता है, अब है समय, आपका और मेरा समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपको और मुझको इस समय में रखा, आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने ऐसे समय में रखा है जब, आप जानते हैं वो क्या करना चाहता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 33 और उसके 11वीं आयत में लिखा हुआ, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में पढ़ता हूं। बाइबल सेज द प्लान्स ऑफ द लॉर्ड, ध्यान से, द प्लान्स ऑफ द लॉर्ड स्टैंड फर्म फॉरएवर, द प्लान्स ऑफ द लॉर्ड स्टैंड फर्म फॉरएवर, द पर्पस ऑफ हिज हार्ट थ्रू ऑल जनरेशन। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, और उसकी कल्पना में, उसके मकसद में आप और मैं हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जब इब्राहिम का समय था, वो अपनी जगह से उठ के परमेश्वर को आता हुआ देखकर उसके पैरों पे गिर के उसको दंडवत करता था। जब दाऊद का समय था, वो अपना बाजा लेके उसकी आराधना करता था। और अब हमारा समय है, परमेश्वर चाहता है हम भी उसकी आराधना करने वाले बने। परमेश्वर चाहता है हम उसकी कल्पनाओं में, उसके पर्पस में अपने आप को लाके खड़ा कर लें। इसलिए तो बाइबल कहती है 32वें अध्याय की 8वीं आयत भजन संहिता में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा कि उस बुद्धि में हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स हो, हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही हो। वचन आया, हमने देखा, हमने अनुभव किया, और जब देख लिया, अनुभव कर लिया, आइए इस क्रिसमस में तैयार हुए उसकी आराधना करने के लिए, दिल से उसकी आराधना करने के लिए। आइए जल्दी से हम प्रभु के वचन में आगे चले। क्यों परमेश्वर इस क्रिसमस पे ये वचन भेजा है? हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत 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 निकट है, द्वार पे है सिर्फ, प्रभु जी सिर्फ द्वार पे है, और प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, है ना। बाइबल कहती है एक बात, बहुत ध्यान से सुनना प्रभु के इस वचन को, बहुत ध्यान से आज की बात को आप समझें, बाइबल क्या कह रही है। परमेश्वर जब हमको अपने वचन के अनुसार उस समय पे, उस जगह पे लाया है ना, वो समय है जब मेरे भक्त आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तो परमेश्वर उस आराधना में हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, ठीक है, अपने दूसरे आगमन से पहले, अपने दूसरे आगमन से पहले हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले बहुत सारे चिन्ह होंगे, बहुत सारे चिन्ह दिखाएंगे, और हम उन्हीं चिन्हों में से होके गुजर रहे हैं, बहुत बहुत निराशजनक स्थिति में है। लेकिन सुने चर्च, ध्यान से प्रभु की बात समझे। बाइबल कहती है योएल उसका दूसरा अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, हे सियोनियों, सियोन ज़ायन मतलब आराधना करने वालों, आप सुने, आप आराधना करने वाले यदि हैं और तैयार कर रहे हैं अपने आप को इस क्रिसमस से परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो बाइबल क्या कह रही है, सियोनियों तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंद हो, मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे। एक समय होता है हर एक बात का, बाइबल में लिखा है हर एक बात का जो पृथ्वी पर होती है, सूर्य के नीचे होती है, उसका एक समय होता है,
एक समय है, हम एक बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, अब समय आया है, वचन आया है प्रभु का, और प्रभु चाहता है हम राइट रिस्पॉन्स दें, प्रभु चाहता है हम उसकी सही प्रतिक्रिया दें, अर्थात वचन को पाके अनुभव करके हम भी पहले बड़े दिन के समान, गरड़ियों मजूसियों के समान प्रभु की आराधना करने वाले बने, उसकी स्तुति और तारीफ करने वाले बने। क्यों? परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। जैसे उसने पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी देगा, आत्मिक तौर पे भी, और जब तक इस संसार में है तब तक भी बहुतायत की बारिश होगी। लिखा है खलियान अन से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमंडते रहेंगे। ये जब अभी, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक के लिए ये वचन आया है, लेकिन अब आगे चले प्रभु हमसे क्या कह रहा है, आगे की तैयारी के लिए हम पर क्या आशा लगाया हुआ है। बाइबल कहती है योएल दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, ध्यान से चर्च, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, जितने वर्शिपर्स हैं सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन निकट है। क्रिसमस में वचन आया है हम उसकी आराधना करने वाले बन जाएं, तैयार करें अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर हमें यूज करेगा। सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, उसकी आराधना करो, ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, यहोवा का दिन आता है वरन निकट है, वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन और अंधियारे का सा फैलता दिन है। परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले परमेश्वर अपने आराधना करने वालों से कह रहा है, नरसिंगा फूको, आपसे और मुझसे, पूरी कलीसिया, पूरे विश्वासियों से अपेक्षा कर रहा है हम ऊंचे स्वर से गाएं, उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु का दिन बहुत निकट है। और उसके बाद प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं आगे पढ़ता हूं, 15वीं आयत से आगे लिखा हुआ है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, तीसरे अध्याय की 16वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा सियोन से गरजेगा, यहोवा सियोन से गरजेगा, यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, आकाश और पृथ्वी थर्राएंगे, यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, परदेशी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। इट्स टाइम चर्च सही प्रतिक्रिया देने का, परमेश्वर की आराधना करने का, सही प्रतिक्रिया देने का। आज सुबह की आखिरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसके बाद हम आराधना में जाएंगे। आज सुबह हम रियल परमेश्वर को ऊंचा उठाने जा रहे हैं। क्यों प्रभु हमसे कह रहा है वो समय आता है वरन अब है, क्यों प्रभु हमसे राइट रिस्पॉन्स अभी इस दुनिया में रहते हुए चाह रहा है, प्लीज प्लीज फिर बार बार एक शब्द कह रहा हूं, ध्यान से सुने, क्यों अभी हमसे राइट रिस्पॉन्स चाह रहा है। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, तो बाइबल हमको बताती है परमेश्वर का वचन आया था, प्रकाशित वाक्य शुरू हुआ यूहन्ना को प्रकाशन देने के साथ, यीशु मसीह का प्रकाशन जो यूहन्ना को मिला पहले अध्याय में, लेकिन दूसरे और तीसरे अध्याय में परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए आया, कलीसिया के लिए आया। क्या वचन आया? दो बातें आई, रिपेंट एंड ओवरकम, रिपेंट एंड ओवरकम, मन फिरा जय पा, मन फिरा जय पा। मैं कई बार पढ़ा हूं,
मैंने कहा प्रभु आप इस संडे ये वचन क्यों दे रहे हैं और आपके वचन में ऐसी बात क्यों लिखी है। ध्यान से सुने, दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रभु कहता है मन फिरा और जय पा, लेकिन चौथे अध्याय में उसके बाद से क्या शुरू हो गया। चौथे अध्याय में लिखा है इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, कलीसिया ऊपर उठा ली गई। और जब कलीसिया ऊपर उठा ली गई तो बाइबल हमको बताती है जब ऊपर उठा लिए गए संत ऊपर चले गए, हम सब ऊपर चले गए, तो चौथे अध्याय की 9वीं आयत से सुने ध्यान से क्या लिखा है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा आदर सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से की गई थी। जब सब ऊपर चले गए तो वहां लोगों ने आराधना देखा। एक आयत और सुने आप, 5वां अध्याय 11वीं आयत से लिखा है, और जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना और बहुत जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ धन ज्ञान शक्ति आदर महिमा और धन्यवाद के योग्य है। नौ समझे आप, दो जगह पढ़ा हूं मैंने, कलीसिया जब उठा ली गई तो उसने देखा कि वहां पे जो लोग हैं स्वर्गदूत हैं प्राचीन हैं वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अब सुने बाइबल कहती है 7वें अध्याय में 13वीं आयत से आगे लिखा है, इस पर 12वीं आयत से पढ़ता हूं मैं, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते और जो सिंहासन पर बैठा है वो उस पर अपना तंबू तानेगा। पहले दो में प्राचीनों ने स्वर्गदूतों ने आराधना की, कलीसिया ने देखी, लेकिन उसके बाद कलीसिया छुड़ाए हुए जो स्वर्ग पे उठा लिए गए हैं वे लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं आराधना कर रहे हैं। मैंने प्रभु से पूछा इस क्रिसमस क्यों राइट रिस्पॉन्स, आपका प्लान क्या है। प्रभु ने कहा मैं यहाँ रहते हुए अपने छुड़ाए हुए लोगों को तैयार कर रहा हूँ ताकि जब वे स्वर्ग में जाएं मेरे साथ रहने के लिए स्वर्ग में आए तब वहां पर भी वे मेरी आराधना करने वाले बने। आमेन। आपने समझा आज की बात। आइए इस क्रिसमस हम अपने आप को तैयार करें इस क्रिसमस प्रभु की आराधना के लिए। यहां पर रहते हुए हम उसके मकसद में हैं और यहां रहते हुए उसके मकसद में जब हम सीखते तो बाइबल कहती है स्वर्ग में जाके भी हम उसकी आराधना करेंगे। एक आयत याद आ रही है इसलिए मैं उसको आपके सामने पढ़ के आज की बात समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में 28वीं आयत में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जो उसको ग्रहण योग्य है। आइए अनुग्रह मांगे, आज हम सब मिलकर अनुग्रह मांगेंगे और थोड़ी देर आज सुबह हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको ऊंचा उठाएंगे अपने बीच में। आइए मिलकर अब हम उसके अनुग्रह को लेकर उसके अनुग्रह में आत्मा और सच्चाई से अपने प्रभु की आराधना करें, यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। आज सचमुच में
प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। मिलकर हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे, गाएंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। Worthy is the Lamb seated on the throne, crown you now with many crowns, you reign victorious. Yeah.
लेकिन धन्यवाद दे यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। मिलकर चर्च और हो नाम आसन के लिए अंदर आबा। Oh,
आपकी दया आपके लोगों पर प्रभु यीशु, हर एक इस क्रिसमस और उसके बाद आगे आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, प्यारे पवित्र आत्मा की सामर्थ में, हर एक वो अनुग्रह पाए जिसके द्वारा आपको ग्रहण योग्य आराधना कर सके। आइए आखिर में फिर से हम गाएंगे, वर्दी इज द लैम, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां स्वर्गदूत प्राचीन अपने अपने ताज प्रभु के कदमों पर रख के कहते हैं, आदर महिमा स्तुति तारीफ सिर्फ मेमने की है, सिर्फ मेमने की है। आइए मिलकर गाएं और उसको ऊंचा उठाएं। हर एक जन अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, अपने अपने घरों में उसकी पवित्र उपस्थिति जो आपके घर में है, उसका स्पर्श जो आपको मिल रहा है, उसे स्पर्श में प्रभु को ऊंचा उठा के कहे, प्रभु के स्वर्ग दूतों के साथ प्राचीनों के साथ में मिलके, वर्दी इज द लैम। हालेलुया, फॉर द लॉर्ड ऑफ माइटी रेन। ओ व्हाट अ जॉय, व्हाट अ जॉय, यस हालेलुया, आई कैन सी द स्माइलिंग फेस ऑफ गॉड, यस यस for the Lord God Almighty reigns. Alleluia. Alleluia. Holy, holy, holy Jesus, are you Lord God Almighty? What is the land? What is the land? प्यारा पवित्र आत्मा आपको पकड़ ले, खबर आना बस लेके रियांदना बस सोलो को रियांदना बारी के लेके रियांदो रो रो रखने में के लेके रियांदो रो रो को रो रो बस से रियांदा यार, उसको अपना काम पूरा कर लेने दे, पवित्र आत्मा को अपना काम पूरा कर लेने दे। रेले बे रेले बे रेले बे, यस यस यस, वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको छू रहा है, जिसे चंगाई चाहिए प्रभु यीशु मसीह अपनी दया में उसे हील कर रहा है। यस 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 यस, उसकी उपस्थिति में आज बहुत से लोग हील हो रहे हैं। रोलाबा से लेके रिनावा सोरी के रे रे दे दे, यस 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 यस, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा उनके बुरी आदतों से, उनके बुरे कामों से, प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा। थैंक यू लॉर्ड, आप अपने लोगों को अनुग्रह दे रहे हैं और एक नई शुरुआत दे रहे हैं कि हम आपके पर्पस में आ जाएं, खड़े हो जाएं,
और उस पर्पस में खड़े होकर आपकी आराधना करने वाले बने। हर एक वचन का रिस्पॉन्स आपकी आराधना, हर एक वचन की प्रतिक्रिया आपकी आराधना, आपकी आराधना और आपकी आराधना। थैंक यू लॉर्ड। अभी भी वो छू रहा है कुछ लोगों को। यस यस जीसस पा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को काम कर लेने दें। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मान कर तेरी बात, यहाँ रहते हुए आराधना करें। जीऊंगा प्रभु, ताकि यहाँ से जाने के बाद भी मैं तेरे अब उसकी आराधना करने वाले बने। प्रभु मुझको धन्यवाद पिता। आज प्रभु यीशु मसीह में आपने अनुग्रह दिया, अपना वचन भेजा और हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आपके वचन को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों से सही प्रतिक्रिया के लिए। पहले बड़े दिन पे उन्होंने आराधना की, अब हम भी प्रभु जी निरंतर आपकी आराधना करने वाले बनना चाहते हैं, यहाँ रहते हुए भी और जब स्वर्ग में आपके पास पहुँचे तब वहाँ भी आपके आगे झुक के दंडवत करके आपकी आराधना करने वाले बने। हम सबकी सहायता करें ये क्रिसमस आराधना करने में बहुत अद्भुत हो जाए, हम सब आपको बहुत निकटता से पालें, आप दया करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु के इस प्रेजेंस को बनाए रखें, तैयार करें पिछले 3 हफ्ते के वचनों को याद करके, ताकि इस क्रिसमस आप एक बहुत अद्भुत परमेश्वर का स्पर्श पाएं। हम फिर से 25 तारीख को ऑनलाइन आपसे मुलाकात करेंगे और मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए आशीष वचन से समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता जो हमें यहाँ भी और आने वाले समय अनंत के लिए तैयार करेगा, उसकी आराधना के लिए हम सबके साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।